अब जो है जैसे मान लीजिए कि सर्विस 3 में प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि वहाँ पर मान लीजिए आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और रन टाइम पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है सर्विस 3 पर, तो आप जैसे यूज करते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का ध्यान होगा, एक्सेप्शन बहुत यूज किया होगा, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं हिस्टिक्स, सर्किट ब्रेकिंग, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मतलब यही है कि अगर आपका सर्विस 1 एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्विस 2 एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन सर्विस 3 एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो ये सर्किट ब्रेक कर गई। तो अब अगर ये ब्रेक कर गई तो उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करें, क्या करना चाहते हैं? तो वो सीधे हम लोग हिस्ट्रिक्स में सेट करते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं किसी भी उसमें किसी सर्विस में प्रॉब्लम आ गई एग्जीक्यूशन में, तो आपका फ्लो किधर ट्रांसफर आप करना चाहें तो फ्लो को ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ सर, तो वही चीज़ कहलाती है आपकी सर्किट ब्रेकिंग, जो कि हिस्ट्रिक्स के साथ हम लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा ठीक है।